बाथरूम में नहा रही किशोरी पर बिगड़ी नियत। 14 साल की किशोरी का मुंह दबाया, गला जकड़ा और गंदा काम किया। डरी सहमी किशोरी के कंठ से बाहर ही नहीं निकली चीख, आरोपी फरार। राजधानी में फिर से एक नाबालिग किशोरी के साथ रेप की वारदात सामने आई है। इस बार मुरलीपुरा में रहने वाले एक परिवार ने मुकदमा दर्ज कराया है। आरोपी की तलाश जारी है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन इस दौरान इस वारदात के बाद से किशोरी और उसका पूरा परिवार सदमे में है। किशोरी की उम्र 14 साल है। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। मुरलीपुरा पुलिस ने बताया कि मुकदमा दर्ज कराने वाला पक्ष और आरोपी पक्ष दोनों ही मुरलीपुरा क्षेत्र में एक मकान में किराए पर रहते हैं। 14 वर्षीय किशोरी 28 मार्च को नहाने के लिए बाथरूम में गई थी। उसके परिवार के सदस्य हर रोज की तरह अन्य कामों में व्यस्त थे। इसी का फायदा उठाकर आरोपी बाथरूम में घुस गया और किशोरी का मुंह दबा दिया, उसे जान से मारने की धमकी दी। किशोरी ने पुलिस को बताया कि वह इतनी डर गई कि चीख कर परिवार को बुला तक नहीं सकी। आरोपी ने जबरन उसके साथ गंदा काम किया और फरार हो गया। पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल कराया है। मामले की जांच मुरलीपुरा थाना अधिकारी कर रहे हैं। गौरतलब है कि इस सप्ताह नाबालिग किशोरी से रेप और छेड़छाड़ करने का यह तीसरा केस है। इससे पहले जवाहर सर्कल क्षेत्र में रहने वाले रिटायर्ड फौजी ने 5 साल की बच्ची से ज्यादती की। इसके बाद कानोतक क्षेत्र में रहने वाली 14 वर्षीय पीड़िता से रेप और छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ लाइव राजस्थान, जयपुर।